मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी के बुलद्वाड़ा में 14 करोड़ के संयुक्त कार्यालय भवन की आधारशिला रखी। तालाब में 33 केवी सब स्टेशन की आधारशिला रखी। भद्रोटा में आईपीएच उपमंडल तथा भद्रवाड़ में लोक निर्माण विभाग के उपमंडल की घोषणा भी की। मंडी जिला के निर्वाचन सभा के क्षेत्र सरकाघाट के बुलद्वाड़ा में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 26 करोड़ रूपये की आर्थिक धनराशि स्वीकृत की है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में वोल्टेज की समस्या के समाधान के लिए सिमाला में 33 केवी सब स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने भद्रोटा में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग का उपमंडल तथा भद्रवाड़ में लोक निर्माण विभाग का उपमंडल खोलने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने सिरखट के तटीकरण के लिए 157 करोड़ रुपए की परियोजना प्रस्तुत की है, जिसे शीघ्र स्वीकृत तथा कार्यान्वित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकाघाट क्षेत्र के लिए 85 करोड़ रुपए की परियोजना चरण 2 के तहत वित्त पोषण के लिए भेजी गई है। जयराम ठाकुर ने कहा कि गत वर्ष हुई राज्य विधानसभा चुनाव के नतीजे न केवल कांग्रेस से भाजपा में बदलाव लेकर आए थे, बल्कि नेतृत्व में पीढ़ी का बदलाव था। उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों ने ये जिम्मेदारी उनके कंधों पर डाली है और वह लोगों की आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए पूरे समर्थन के साथ कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह लगभग पिछले 21 वर्षों से लगातार राज्य राजनीति में हैं और इस अवधि के दौरान उन्हें केंद्रीय पार्टी नेतृत्व द्वारा जो भी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं उन्होंने उन्हें ईमानदारी से निभाया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने एक वर्ष के कार्यकाल के दौरान सुनिश्चित किया है कि राज्य के सभी भागों को विकास के मामले में उनका देय हिस्सा प्रदान हो। उन्होंने लोगों से व्यक्तिगत संपर्क सुनिश्चित बनाने के लिए राज्य के 63 निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा किया है। उन्होंने कहा कि पिछली राज्य सरकार ने अपने वित्तीय कुप्रबंध के कारण राज्य को 46,500 करोड़ रुपए के कर्ज भार में डाला था और अपने कार्यकाल के अंतिम कुछ महीनों के दौरान बिना किसी बजट प्रावधान के 21 डिग्री कॉलेजों की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि विपक्ष में अब वही नेता सरकार की एक वर्ष की कार्य प्रणाली पर चार्जशीट के नाम पर सरकार को धमकाने का काम कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि विपक्ष के पास सरकार के विरुद्ध कहने को कुछ भी नहीं है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार एक वर्ष के कार्यकाल को बड़े स्तर पर मना रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 27 तारीख को धर्मशाला में राज्य स्तरीय समारोह की शोभा बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का जनमंच लोगों की शिकायतों के निवारण में सफल साबित हुआ है। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता भी अपनी समस्याओं के समाधान के लिए जनमंच में आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि गृहिणी सुविधा योजना, उज्ज्वला योजना के छूटे परिवारों को निशुल्क गैस कनेक्शन प्रदान करने के लिए शुरू की गई है और राज्य के 1 लाख से अधिक परिवारों को लाभ प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अपने स्तर पर उन परिवारों को स्वास्थ्य कवर प्रदान करने के लिए हिम केयर शुरू की है, जो आयुष्मान भारत के तहत शामिल नहीं हो पाए हैं। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने तालाब काम में 1.55 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले 33 केवी सब स्टेशन की आधारशिला रखी। यह स्टेशन क्षेत्र की 15 पंचायतों के 35 गांवों के 20,000 से अधिक लोगों की वोल्टेज की समस्या का समाधान करेगा। लंबे इंतजार के बाद सरकाघाट में आना हुआ है और जिस बात की प्रसन्नता है कि बहुत सारे विकास कार्यों की शुरुआत इस विधानसभा क्षेत्र में आज हो रही है और वैसे भी ये विधानसभा क्षेत्र विकास की दृष्टि से हमारे पूरे मंडी जिला के जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं उनसे पीछे नहीं है, लगातार विकास हो रहा है। आज के इस प्रवास के दौरान जो है विकास को और गति देने की हमारी कोशिश होगी। अभी शुरुआत हमने 33 केवी सब स्टेशन के शिलान्यास के साथ की है और ये लगभग 3 करोड़ की लागत से ये बन करके तैयार होगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे कार्यक्रम अभी रास्ते में हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा जो सरकाघाट ये विधानसभा क्षेत्र है आने वाले समय में जहां विकास की राह पर आगे बढ़ने के लिए हमारे सहयोग की और समर्थन की आवश्यकता जितनी भी रहेगी उसमें पूरा सहयोग दिया जाएगा और ये क्षेत्र जो है विकास करके अलग पहचान के साथ खड़ा हो इसके लिए। देखिए, मैंने पहले भी इस बात को कहा कि मात्र सत्ता का परिवर्तन नहीं, सत्ता के साथ साथ में पीढ़ी का परिवर्तन हुआ है। नया सोचना चाहिए, हटकर के सोचना चाहिए और उसमें हमने हटकर के सोचा है, हटकर के काम किया है। ये सारी परंपराएं पुराने समय से जब से चल रही है
मैं व्यक्तिगत रूप से इन चीजों के पक्षधर नहीं हूं। आपके पास लोकतंत्र में बहुत सारे अवसर होते हैं जब अपनी बात को आप लोगों के बीच में कह सकते हैं, विधानसभा है, विधानसभा के अंदर आप कह सकते हैं, लेकिन इस प्रकार से आरोप है चाहे नहीं लेकिन आरोप लगाना जरूरी है, इस परंपरा को मुझे लगता है कि रोकने की आवश्यकता है। और मेरे पास 5 वर्ष की पड़ी है, हमने शुरुआत नहीं की। अगर वो शुरुआत कर रहे हैं तो मुझे उस पर कुछ नहीं कहना है, वो उनका सोचने का विचार करने का विषय है, लेकिन हम इतना जरूर कहना चाहते हैं कि अगर पीढ़ी का परिवर्तन हुआ है, सोच का भी परिवर्तन दिखना चाहिए, हमने दिखाया है, उनका दिखाना चाहिए था, नहीं दिखाएंगे तो उसके बाद आने वाले समय में कम से कम एक बात को लेकर के बड़ा स्पष्ट है कि शुरुआत हमारी तरफ से नहीं हुई, शुरुआत उस तरफ से हुई है, जवाब मिलेगा। सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि मंडी के लोग जयराम ठाकुर को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में पाकर धन्य हैं और उन्हें मुख्यमंत्री से बहुत सी आकांक्षाएं हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार राज्य के निचले क्षेत्रों में बागवानी विकास के लिए लगभग 1900 करोड़ रुपए स्वीकृत करने में सफल रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जल संरक्षण के लिए प्रभावी कदम उठा रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री से सिरखड्ड के तटीकरण के लिए आग्रह किया क्योंकि ये खड्ड क्षेत्र में लोगों की भूमि को बड़ा नुकसान पहुंचा रही है। लेकिन उस परमपिता परमेश्वर ने इस बार का जो चुनाव 2017 का जो विधानसभा का चुनाव इस प्रदेश के अंदर हुआ वो चुनाव एक ऐतिहासिक परिणाम है, ऐतिहासिक चुनाव। जैसे ही वोटें पड़ने के उपरांत मैं ठाकुर जी के पास गया क्योंकि हमारे दोनों के सैकड़े इकट्ठे ही थे। हम गए, बैठे, बड़ी देर चर्चा की। चर्चा करने के बाद हम 44 से पहुंचे कि 44 विधायक हम जीतेंगे, लेकिन अगर लहर होगा तो हम 51 भी क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन ऐसा लगा जिस दिन चुनाव परिणाम घोषित हुए तो 44 लोग तो जीत करके आए। इस अवसर पर सांसद राम स्वरूप शर्मा ने कहा कि सरकाघाट क्षेत्र को वीर भूमि के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि क्षेत्र से हजारों युवा सैन्य बलों में सेवारत हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जब राज्य भाजपा के अध्यक्ष थे उस दौरान 2007 में भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई थी। अब राज्य सरकार ने जयराम ठाकुर के दूरदर्शी नेतृत्व में राज्य तथा इसके लोगों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं। स्थानीय विधायक कर्नल इंदर सिंह ने कहा कि पिछली राज्य सरकार ने सरकाघाट क्षेत्र के विकास के मामले में पूरी तरह से अनदेखी की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के एक वर्ष के दौरान कार्यकाल के दौरान क्षेत्र के लिए अनेक विकासात्मक परियोजनाएं शुरू की गई हैं। उन्होंने क्षेत्र के लिए करोड़ों की विकासात्मक योजनाएं समर्पित करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। भाजपा मंडला अध्यक्ष रूपलाल रतन ने इस अवसर पर मुख्य अतिथि तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया।